हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम इट्यू। पेंडुलम इट्यू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द डे फॉर 19th May 2020। सो लेट अस सी व्हाट टुडेज वर्ड इज। टुडेज वर्ड इज एग्जिग्यूस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एग्जिग्यूस। अब हम देखते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और इसकी मीनिंग क्या होती है। ये जो वर्ड है एग्जिग्यूस, दिस इज एन एडजेक्टिव और इसकी मीनिंग होती है वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसकी मीनिंग होती है थोड़ा या कम, या इसको आप और शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं अल्प। अल्प मात्र, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, मतलब कि कम। तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस के थ्रू। बिकॉज ऑफ माय एग्जिग्यूस नॉलेज इन मैथ आई लॉस्ट द क्विज टू यू। अब इसका मतलब है क्योंकि मेरी मैथ में जो जानकारी है, नॉलेज है, वो बहुत कम है, इसलिए मैं क्विज में तुमसे हार गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। His collection of books is exiguous to call his study room a library. इसका मतलब है कि उसका जो किताबों का भंडार है वो बहुत ही छोटा है, जिस पे वो अपने रूम को, स्टडी रूम को लाइब्रेरी कह सके। उसको लाइब्रेरी नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका जो किताबों का कलेक्शन है वो बहुत कम है। अब हम इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स बेयर, कन्फाइंड, डिमिन्यूटिव, inadequate, और इसके antonyms हैं plenty, enough, ample. Okay students, I hope आपको ये समझ आया होगा word, और आपको अब आगे कभी ये देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सुनने को, तो आप इस word की meaning समझ सकते हैं और आप इसे अपनी day to day life में भी use कर सकते हैं। तो आप हमारे इस video को like करें, इस video पर comment करें अगर कोई भी आपके मन में confusion रह गया हो, और अपनी चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।